तो भाइयों राम राम, मैं वापस से आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं KTM ड्यूक 250 का रिव्यू करने जा रहा हूँ। अब बाइक पहले आप देख लीजिए कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है, एकदम स्ट्रीट फाइटर लग रही है। जो ओवरऑल जो लुक है फ्रंट में यार, जो फ्रंट प्रोफाइल का लुक एकदम किलर लुक लग रहा है। जो ग्राफिक्स हैं इस बाइक के वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। जो कलर कॉम्बिनेशन है उसमें नो डाउट एकदम बढ़िया लग रहा है। साइड में आप देख सकते हैं मोनोसॉक सस्पेंशन की जगह है वो चेंज कर दी गई है। रेयर प्रोफाइल से भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है। इसमें आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट भी मिला है। तो पूरी एक एक चीज़ें मैं जो है डिटेल में बताऊंगा। ये रिव्यू पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। साइड प्रोफाइल से आप लोग देखो सबसे पहले कितनी ज़्यादा शानदार एकदम दमदार बाइक लग रही है। तो बात करते हैं सबसे पहले फ्रंट लुक से। तो फ्रंट लुक में आपको स्प्लिट DRL का सेटअप मिलता है। आप देख सकते हैं विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है और हेडलाइट के ऊपर एक प्लास्टिक का देख सकते हैं कवर भी मिल जाता है। साइड में आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं, LED के नॉन फ्लेक्सिबल इंडिकेटर हैं, छोटे से काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ अभी, पर उससे पहले आप देख सकते हैं ऊपर का जो पैनल है उसमें कुछ नहीं है। तो ओवरऑल एक ठीक है, मतलब अच्छा लग रहा है, मतलब मिरर बिना मिरर्स के साथ मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है ये बाइक। ये देख लीजिए आप इंडिकेटर एकदम छोटे से लग रहे हैं, नॉन फ्लेक्सिबल है लेकिन LED के हैं, तो इंडिकेटर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इसके प्रीमियम क्वालिटी के इंडिकेटर आपको मिल जाते हैं इसमें। फिर नीचे बात करते हैं तो आपको सस्पेंशन पे चलते हैं। तो WP Apex के आपको सस्पेंशन मिलते हैं, 43mm के आपको USD Fox सस्पेंशन मिल जाते हैं। कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इवन आपको ऑफ रोडिंग पर भी आप जाएंगे तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। फिर नीचे चलते हैं तो आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में आपको एक रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है, एकदम अलग तरीके से उसकी पोजिशनिंग है। आगे आपको ABS मिल जाता है और 320mm की आपको डिस्क मिल जाती है पेटलडे से, आप देख सकते हैं। और जो अलॉय व्हील है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, ऑरेंज कलर नो डाउट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस पर। और मतलब KTM का जो कलर ही है, वो जो मतलब बेस है एकदम, वो ऑरेंज ही है, तो ऑरेंज काफ़ी अच्छा लग रहा है, कूल लग रहा है। फिर टायर पे चलते हैं तो आपको 110x70 के 17 इंच के आपको ट्यूबलेस टायर इसमें मिलते हैं। जो ग्रिप है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन टायर की, आप देख सकते हैं, मतलब स्किट नहीं करेंगे और स्पेशली जब ऑफ रोडिंग पर जाएंगे तो उसमें भी हेल्प करेंगे। इस तरफ से आप प्रोफाइल देख सकते हैं टायर की कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और इस तरफ डिस्क लगाई, इधर डिस्क नहीं तो काफ़ी क्लियर दिख जाता है। फिर आपको ग्लॉसी टच के साथ आपको मिल जाता है मेडगार्ड वाइट कलर में, काफ़ी शाइन कर रहा है, कलर भी अच्छा है इसका, मतलब प्रीमियम बाइक बिल्कुल लग रही है भाई मुझे। फिर साइड में चलते हैं तो ग्राफिक्स की बात करते हैं। तो ड्यूक 250 के आपको स्टिकर मिल जाता है लेकिन जो फॉन्ट यूज़ करा गया वो रेसिंग फॉन्ट एकदम यूज़ करा गया है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है इस पर, ज़बरदस्त लग रहा है, मतलब फुल सूट कर रहा है भाई बाइक को। छोटी छोटी चीज़ें आपको देख सकते हैं एकदम ध्यान रखे में, मतलब इसको डिज़ाइन करी गई है, तो बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। स्पोर्ट्स बाइक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है मुझे, 250 मतलब कह रहे हो बेस्ट लग रही है मुझे, इवन 390 से भी अच्छी लग रही है। आपको कैसे लगी बताइए कॉमेंट करके। इस तरफ भी आपको ड्यूक 250 की आपको बैजिंग मिल जाती है और आप देख सकते हैं वो थोड़ा सा उठा हुआ है तो कर्व के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर यहाँ पे आपको एकदम छोटा सा KTM का स्टिकर मिलता है, काफ़ी एकदम अच्छा लग रहा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन छोटा सा एकदम बेस्ट लग रहा है। फिर अब मैं बात करता हूँ इसके फ्यूल टैंक की, तो आपको 15 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिलता है और फाइबर बॉडी मिलती है इसमें आपको थोड़ी। और उसके बाद आपको मिल जाता है यहाँ पे फ्यूल कैप आपको ब्लैक कलर में पूरा कॉम्बिनेशन मिलता है। ऑफ कोर्स E20 के साथ आने लगी अब सारी बाइक, और 15 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। की मैं दिखाता हूँ, तो ये रही KTM की आप देख सकते हैं, वो दो की मिलती हैं इसमें। और अनफॉर्चुनेटली बैटरी का सेटअप नहीं है तो मैं ऑन नहीं करके दिखा पाऊँगा। फिर आपको डिजिटल मीटर पर चलता तो एक स्क्रीन मिलती है, डिजिटल मीटर आपको मिल जाता है, बढ़िया। और सारी फंक्शन हैं इसमें, इवन आपको मोड भी इसमें मिल जाते हैं, अच्छी खासी स्क्रीन बड़ी मिल जाती है। इस तरह मैं आपको बटन दिखा देता हूँ हैंडल पे, आप देख सकते हैं सारे स्विच सारे बटन मिले, कुछ बटन अलग से लगाए गए हैं तो इसकी जो फंक्शनिंग है वो थोड़ी डिफरेंट है बाकी अदर बाइक से। और उस तरफ मैं दिखाता हूँ तो यहाँ पर आपको इंजन किल का मिल जाता है और सेल्फ स्टार्ट का मिल जाता है। अपराइट इसका पोजिशन मतलब हैंडल बार है तो ज़्यादा आपको टिल्ट नहीं करना पड़ेगा, तो आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सीधी रहेगी तो इतना ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ज़्यादा झुक के नहीं चलाने वाली है ये बाइक। सीट की बात करते हैं तो स्प्लिट सीट मिलती है आपको, अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है और कुशन भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है।
820 mm की इसकी सीट हाइट मिलती है, मतलब 5 फुट 5 या 6 इंच के जो बंदे हैं वो राइड कर लेंगे, लेकिन पैर उसमें मतलब 5.5 फुट के आसपास तो होने चाहिए कम से कम चलाने के। फिर आपको पीछे आपको स्प्लिट आपको ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा कूल लग रहे हैं, फंकी लग रहे हैं। फिर इस तरफ बात करते हैं, हम आते हैं इंजन पे। तो पहले देखो प्रोफाइल देख लो आप, सबसे पहले कितनी ज़बरदस्त लग रही है। यहाँ पे आपको सस्पेंशन मिलता है मोनोशॉक, ये इसकी जो पोजीशनिंग है वो चेंज करी गई है, पहले बीच में मिलता था अब आपको साइड में मिलता है। इंजन पे आते हैं तो इंजन इसका काफ़ी ज़्यादा दमदार आपको मिलता है। उससे पहले मैं आपको एक बार साइलेंसर और एग्जॉस्ट मफलर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिक्विड कूल का सेटअप मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें लिक्विड कूल का सेटअप मिल जाता है। फिर इंजन पे आते हैं तो इंजन की बात करें तो 249 cc का आपको सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन मिलता है। मैक्स पावर की बात कर लूँ तो इसमें आपको अच्छी खासी पावर मिल जाती है, और अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की इसमें मतलब सॉरी उसकी बात करूं कि कितने पावर मिलती है तो मिल जाती है 30 PS की मिलती है 9,250 RPM पे। टॉर्क इसमें मिलता है 25 Nm का 7,250 RPM पे, तो अच्छी खासी पावर भाई मिल गई है। फिर आपको एग्जॉस्ट मफलर इसका दिखाता हूं भाई, ब्राउन कलर का यहाँ पे एग्जॉस्ट मफलर मिलता है। फिर आगे चल के ये अंडरबेली पे कन्वर्ट हो जाता है, तो अंडरबेली एग्जॉस्ट मिलता है, लेकिन जो इसकी साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मेरे पास N160 उसकी उसका भी अंडरबेली एग्जॉस्ट है, तो काफ़ी ज़्यादा साउंड इसकी अच्छी लगती है, बेस होता है। तो इस तरह देख सकते हैं आपको फुटपैक्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको पीछे रेयर ब्रेक का सेटअप मिलता है। रेयर प्रोफाइल पे आते हैं तो यहाँ पे भी एक फुट पैक्स मिल जाते हैं आपको, थोड़ा ऊपर करके बैठने में, लेकिन जो पीछे वाला राइडर उसको पकड़ के बैठना पड़ेगा वरना गिर सकता है। फिर देख सकते हो मोनोशॉक सस्पेंशन की पोजीशनिंग चेंज हो गई है। रेयर प्रोफाइल में आपको रेयर टायर दिखाता हूँ, इसकी अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिकेशन बात कर लूं तो रेयर टायर आपको अच्छा खासा मिल जाता है। मैं चेक करता हूं, उससे पहले आपको डिस्क दिखा देता हूं। 240 mm की डिस्क मिलती है, ये 150x60 का 17 इंच का टायर मिलता है, तो भाई अच्छा खासा चौड़ा टायर मिलता है, और जो ग्राउंड मतलब ज़मीन से जब चिपक के चलेगा आपको फुल कंफर्ट भी लगेगा, मतलब अच्छी मतलब छोटे मोटे धक्के तो लगेंगे नहीं इसमें हच के। फिर रेयर में आपको टेल लाइट मिल जाती है, इसमें टेल लाइट थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है बाकी KTM के कंपैरिजन में। यहाँ पे आपको LED के टर्न इंडिकेटर मिलते हैं, और पीछे आपको एक रिफ्लेक्टर मिलता है, नंबर प्लेट का स्पेस मिलता है, और एक लाइट भी मिल जाती है नंबर प्लेट के ऊपर। इस तरफ से आपको देख सकते हैं क्रैश गार्ड मिल जाता है, साइड गार्ड मिल जाता है, ताकि अगर कोई लेडीज उठी बैठे तो दुपट्टा वुपट्टा ना फंसे, तो इसलिए होता है ये साइड गार्ड मतलब क्रैश गार्ड। सिंगल स्टैंड मिलता है, डुअल स्टैंड नहीं आता है KTM की बाइक में, इसमें आपको सिर्फ सिंगल स्टैंड मिलता है। 5-speed गियर बॉक्स आपको मिल जाता है इसमें, और इस तरफ से भी प्रोफाइल देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है। यहाँ पे आपको ये क्रैश गार्ड मिल जाता है नीचे, तो मैं थोड़े से दूर होके दिखाता हूँ पूरी बाइक को। अब देखो भाई कितनी ज़्यादा भयंकर बाइक लग रही है, आप मतलब समझ रहे हो ना कितनी अच्छी लग रही है। प्राइस की बात कर लेता हूँ तो एक्स शोरूम प्राइस बता रहा हूँ, ये 2.5 लाख इसका एक्स शोरूम प्राइस है। ये मैं लखनऊ के शोरूम की बात कर रहा हूँ, ऑन रोड प्राइस जानने के लिए आप शोरूम नज़दीकी KTM में विज़िट कर सकते हैं। मैं लखनऊ का, मैं एक्स शोरूम प्राइस बता रहा हूँ 2.5 लाख, मान के चलो ये 2.5-3 लाख तक पड़ जाएगी आराम से। तो ठीक है गाइस, ये रिव्यू पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग कीप लविंग। दिस इज़ अल्फा मेल साइनिंग ऑफ, बाय।